हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये टाटा अल्ट्रोस एक्सजेड ऑप्शनल वेरिएंट है, पेट्रोल एन ए पेट्रोल है। तो इसमें मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ अभी कि आप अपने फ़ोन को कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, अपनी जो टच स्क्रीन आपको मिलती है इंफोटेनमेंट सिस्टम की, उसमें कैसे अपने फ़ोन को प्रोजेक्ट कर सकते हैं USB के थ्रू, तो एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू एक्चुअली। तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊँगा एंड लिंक्स भी दूंगा कहाँ से क्या डाउनलोड करना है। तो पहले चलते हैं देखने। अच्छा, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड उसके बाद प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलते अपन कार के अंदर। 1 आवर मोड एक्टिवेटेड है अभी। मैं डोर इसलिए खोल के रखा बिकॉज ह्यूमिडिटी बहुत है, बारिश हुई है एंड धूप भी निकली थी तो ह्यूमिडिटी बहुत है। एक्चुअली आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन अभी कनेक्टेड है एंड आज मैं किया सेल्टोस की वीडियोज़ बनाया हूँ। तो देखिए कुछ पिक है ये। अभी मेरा USB से एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट है, ओके, फ़ोन मेरा, ओके। अब मैं आपको प्रोजेक्ट करके दिखाता हूँ, इसको बैक कर देते हैं यहाँ से। ये देखिए, आपको एंड्रॉयड ऑटो में जाना है। ये देखिए, मैं एक ऐप डाउनलोड करके रखा हूँ, एंड्रॉयड ऑटो का जो ऐप स्टोर है उसकी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड उसमें आपको जाके AA मिरर करके ये वाला ऐप डाउनलोड करना है, आपको देख सकते हैं आप ये वाला। तो जैसे कि मैं यहाँ आया, आप देख सकते हैं AA मिरर लिखा हुआ है, इसमें जैसे मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए, एक्चुअली मैं अभी इसको परमिशन दे चुका हूँ इसीलिए वो स्टार्ट नाउ फ़ोन में नहीं पूछा, नहीं तो अभी ब्लैंक आता है ये। एंड आपके फ़ोन में पूछता है स्टार्ट नाउ बिकॉज आपका स्क्रीन कैप्चर करेगा, आपको स्क्रीन कैप्चर की परमिशन देनी पड़ेगी सेटिंग्स में जाके जब आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे। एंड जब आप कनेक्ट करेंगे तो इसमें ब्लैंक दिखाएगा जब तक आप यहाँ स्टार्ट ना करके नहीं करेंगे। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, इससे मैं डिसकनेक्ट किया, ओके, एंड फिर कनेक्ट करते हैं, एक मिनट ना, फिर कनेक्ट कर दिया। ये देखिए एंड्रॉयड ऑटो अवेलेबल हो गया, इसको क्लिक करते हैं अपन, तो मैप खुल गया ना। अब देखिए AA मिरर, ये देखिए ब्लैक ब्लैक आ रहा है, अभी ब्लैंक है ना बिकॉज, ये देखिए यहाँ क्या आ रहा है, AA मिरर विल स्टार्ट कैप्चरिंग एवरीथिंग दैट्स डिस्प्लेड ऑन योर सिस्टम। तो आपको इसको डोंट शो अगेन कर लीजिएगा अगर आपको बार बार ये ना पूछना हो, एंड उसके बाद स्टार्ट नाउ कर दीजिए। तो जैसे आप स्टार्ट नाउ करेंगे, ये देखिए मेरे फ़ोन की स्क्रीन, ये देखिए मेरे फ़ोन की स्क्रीन। तो AA मिरर के थ्रू आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल को USB के थ्रू। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बिकॉज अभी वर्टिकल में है फ़ोन मेरा, तो इसमें अभी वर्टिकल में दिखा रहा है। जैसे मैं हॉरिजॉन्टल या लैंडस्केप पे करूँगा तो आप देखिएगा, जैसे कि KSL DOS की जो मैं आपको फोटो दिखा रहा था वो गैलरी में ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये पूरा अच्छे से काम कर रहा है, ये देखिए अभी मैं गैलरी ओपन किया हूँ, जैसे मैं इसको जूम करूँगा तो देखिए उसमें भी वर्टिकल में ही जूम हो रहा है, ओके। तो जैसे मैं ऑटो रोटेशन ऑन है मेरा, इसको मैं लैंडस्केप पे कर देता हूँ, तो आप देखिए इस पर इसकी क्वालिटी देखिए, एकदम अच्छी क्वालिटी है इसकी, जैसे फ़ोन पे आ रहा है वैसे उसमें आ रहा है, बस थोड़ी सी कम बिकॉज वो 720 पिक्सल HD है वो, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको मैं जूम करता हूँ, ओके, इसमें देखिए आप, ये देखिए बहुत सही रिस्पांस भी है बिकॉज आपको वायरलेस प्रोजेक्शन भी करते हैं आप TV में, तो आपको ऐसी रिस्पांस मिलता है, थोड़ा डिले रहता है, वैसे ही आपको इसमें मिल रहा है USB वाले में, जो काफ़ी अच्छा है। मैं एकदम जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ तक मैंने जूम किया, अब इसमें देखिए आप उसका, एक मिनट, ये देखिए। तो ये है क्वालिटी इसकी, काफ़ी बेहतरीन लगा। अगर मैं वीडियोस की बात करूं तो आप इससे वीडियोस भी प्ले कर सकते हैं इजिली, दिखाता हूं आपको, यूट्यूब मैं ओपन करता हूं, आप देखते जाइएगा वहां भी। ये देखिए यूट्यूब मैंने ओपन किया, उसमें भी ओपन हो गया, अरे भाई। तो जैसे कि देखिए कोई भी वीडियो को प्ले करके दिखाता हूं, ओके, जैसे कि फुटबॉल वाला वीडियो हो गया रोनाल्डिनो का, बड़ा करते हैं, ये देखिए, ये देखिए इसमें भी चल रहा है, इसमें भी चल रहा है। सो गाइस, आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। सो गाइस, ये था मेरा वीडियो जिसमें आपको मैंने दिखाया कि आप फ़ोन कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपनी एंड्रॉयड ऑटो स्क्रीन पे इंफोटेनमेंट सिस्टम में, टाटा अल्ट्रोस के एंड कोई भी कार में, कोई भी कार की बात कर रहा हूँ। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड्रॉयड ऑटो ऐप स्टोर की, तो आपको उसमें जाके क्या करना है, AA मिरर ये वाला ऐप डाउनलोड करना है, ओके। आपको दिखा देता हूँ मैं, जैसे आप एंड्रॉयड ऑटो ओपन करेंगे, ये है ओपन है, ये देखिए ये वाला ऐप आपको डाउनलोड करना है, AA मिरर। आपको मैं फ़ोन में भी ओपन करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके का आपका ऐप स्टोर रहेगा, AA स्टोर, ओके। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे, एंड्रॉयड ऑटो 6.4 कुड ब्लॉक ऑल, ओके, तो प्लीज़ डोंट अपडेट एंड्रॉयड ऑटो, और इफ़ यू ऑलरेडी अपडेटेड प्लीज़ डाउनग्रेड इट, ओके। तो आपको ये बोल रहा है ये कि जो ये एंड्रॉयड ऑटो ऐप स्टोर, इसके जो ऐप्स हैं वो तभी सपोर्ट करेगा जब आप न्यू वर्जन से थोड़ा सा ओल्ड वर्जन इसमें इंस्टॉल करके रखें। तो एकदम लेटेस्ट वर्जन, अगर अपडेट भी आएगा एंड्रॉयड ऑटो का तो उसको अपडेट मत करिएगा, थोड़ा सा ओल्ड वर्जन रखिएगा, डाउनग्रेड करके रखिएगा, ओके। इसको कंटिन्यू कर देते हैं, इसमें देखिए
ये जो आपको ऐप दिख रहा है ए मिरर करके, ये देखिए रिक्वायरमेंट्स स्क्रीन कैप्चर रिकॉर्ड करता है, आपके स्क्रीन कैप्चर के लिए आपके परमिशन लेता है, बिना परमिशन के नहीं करता। तो आप इसको जैसे ही ए मिरर को ओपन करेंगे तो ऐप नॉट सर्टिफाइड, तो आप इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, एंड यहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसके बाद आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके बाद आप एंड्रॉयड ऑटो के साथ कनेक्ट करिएगा। ओके, जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ आपको यहाँ ऐप्स में जाना, ऑल ऐप्स एंड्रॉयड ऑटो ओपन करके, ओके यहाँ आपको ओपन करके जाना है। ये देखिए ऐप आपको दिख रहा होगा ए मिरर करके, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपका प्रोजेक्शन चालू हो जाएगा। सो गाइस, आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आफ्टर सब्सक्राइबिंग प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।